साले टेकरी आरटीओ बैरियर या लुटेरे का अड्डा। परिवहन विभाग की दादागिरी से त्रस्त क्षेत्रीय व बाहरी वाहन मालिक घर में खड़ी वाहन के चालकों व मालिक के साथ मारपीट कर किया जा रहा है परेशान। सरकारी कर्मचारियों की धन पिसाची की इच्छा इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि इनको किसी का डर नहीं रह गया है। ऐसा ही एक मामला साले टेकरी आरटीओ बैरियर का प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी अनुसार राम भगत वाही निवासी बलाराम की 14 चक्का वाहन क्रमांक CG09F1395 पिछले कुछ समय से कागज पूर्ण न होने पर वाहन चालक के यहाँ खड़ी थी। चूंकि कोरोना काल में सभी वाहन मालिकों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, जिस कारण बलाराम ने भी अपनी गाड़ी को कागज पूर्ण न होने पर घर पर ही खड़ी कर दिया था और वाहन चालक को कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए बोल दिया था। कल शाम को परिवहन विभाग का उड़नदस्ता ने वाहन चालक के घर में पहुंचकर गाड़ी के समस्त कागजों की मांग करते हुए चालक के साथ मारपीट किया और गंदी गंदी गालियां भी दिया। वाहन चालक के हाथ से गाड़ी के पेपर समेत फाइल में रखा 70,000 रुपया भी उड़नदस्ता की टीम ने रख लिया और आरटीओ बैरियर साले टेकरी में आने को कहा। लेकिन सुबह जब वाहन चालक व मालिक बैरियर पहुंचे तो वहां पर पदस्थ रांगडाले का भतीजा, जो अपने आप को परिवहन विभाग का अधिकारी कहकर लोगों को डराता धमकाता है, ने और पैसे की मांग कर कागज के साथ नगद लाई गई राशि को वापस करने से मना कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि साले टेकरी आरटीओ बैरियर पर पदस्थ कर्मचारी रहांगडाले का भतीजा पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है, जिसके ऊपर रहांगडाले जी का हाथ है, जिस कारण वह अपने आप को परिवहन अधिकारी बताकर लोगों से अवैध उगाही कर रहा है, जिसकी जानकारी बालाघाट में बैठे अधिकारी को भी है। लेकिन किस कारण से रहांगडाले के भतीजा को विभाग साले टेकरी आरटीओ बैरियर पर रखा है, यह समझ से परे हैं। बहरहाल वाहन चालक व मालिक ने लिखित शिकायत लेकर बालाघाट परिवहन विभाग के अधिकारी के पास जाने वाले हैं। इनका कहना है, अगर गाड़ी का टैक्स नहीं पटा है तो घर में जाकर कार्यवाही किया जा सकता है। साले टेकरी आरटीओ बैरियर पर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति कार्यरत नहीं है, अगर है तो कार्यवाही की जाएगी। अनिमेश गढ़पाल, जिला परिवहन अधिकारी बालाघाट, MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए बिरसा से दीपक शरणागत की रिपोर्ट। आप कौन है बता दो, आप बताओ ना, आप यहाँ पे प्रभारी हो क्या? वीडियो बना रहे हैं ना? मेरा क्यों ड्यूटी? ठीक है ना, वो आपके साथ हैं। नहीं तो मेरा क्यों ड्यूटी है? तो आप किस लिए आए हैं ये बताइए। आप लोगों ने इन भाई साहब का रात में, आप हो कौन, प्रभारी हो यहाँ पे क्या? नहीं, आपको आप हैं क्या या किस चीज़ के लिए ये बताइए पहले तो आप। नहीं, मैं गाड़ी के गाड़ी के पर्पज से आया हूँ। इनकी गाड़ी आपने पकड़ा है? कौन सी गाड़ी? इनका कागज लाया है आपने? गाड़ी कौन सी बताइए ना पहले आप। क्या नाम है? बालाराम। क्या हुआ आपके साथ भैया? मैं गाड़ी घर में खड़ी किया था, आरटीओ वाले आए, मेरा फाइल वाइल लेके चले गए। अच्छा। और उसमें जो मेरे को मेरा सेठ का पिताजी दिए थे 70,000 रुपये टैक्स पटाने के लिए, वो भी पैसा फाइल में था, वो भी लेके चले गए और मेरे साथ में गाली गलौज किया और मारपीट भी किया। हाँ, तो गाड़ी आपके घर में खड़ी थी? हाँ, गाड़ी मेरे घर में खड़ी थी। उसको चला नहीं रहे हो? नहीं, नहीं चला रहा हूँ। तो कागज उसका पूरा नहीं? हाँ, कागज ओके नहीं था। अच्छा। तो सेठ बोले कि कल जाके टैक्स पटा देना और परमिट के लिए पैसा दे देना, उसके बाद में त्योहार के बाद निकालेंगे गाड़ी को, मेला के बाद में। अच्छा। करके मैं गाड़ी घर में खड़ी कर दिया था। हाँ, अरे लोग उधर से आए और मेरी गाड़ी को पकड़ लेंगे, यहाँ खड़ी करके रखे हो, गाड़ी का कागज देखा, 70,000 रुपया भी लगे। हाँ, 70,000 रुपये भी लगे, वो भी पैसा फाइल में, मेरा लाइसेंस भी रख लिए। अच्छा। हाँ, कागजात भी लाते हैं, लाइसेंस भी लाते हैं, पैसा।
70,000 रुपये। हाँ।